एक मैंने ये हैंगिंग में बनाया है, आप भी बना सकते हैं। ये मैंने कार्डबोर्ड लिया था, ऐसे ही घर में था, उसके ऊपर मैंने पेपर लगाया है और उसके ऊपर मैंने ये एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। देखिए, वन साइड ऐसा है, सेकंड दिस वन, इस टाइप से मैंने इसको ऐड कर दिया है। एक सेकंड है, ये भी सेम प्रोसेस है, ये भी एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर वन साइड ये पेंटिंग की है मैंने, सेकंड ये की है, और ये मैंने इसको लगा दिया और ये आराम से हैंग करता है, जो काफ़ी प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और ये मैंने बनाया है, जो मैंने इस पे वॉल पे पेस्ट कर दिया है, ये भी कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है। देखिए, एक ये सर्कल यहाँ पे काटा है पूरा, एक कटिंग ये की है, इसी की कटिंग जो अंदर वाली कटिंग है उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके ऊपर मैंने ये एक पेपर चिपकाया है और उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर कर दिया, एक्रेलिक कलर से ही। और ये जो हमारी फॉयल होती है, एल्यूमिनियम फॉयल, जो हम सब अपने टिफिन में ले जाते हैं रोल करके किसी भी रोटी को, तो वो ही उसकी कटिंग करके ये मैंने लगा दिया है। और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह की DIY आप भी अपने घर में बना सकते हैं और अपनी वॉल को बहुत उसको एक नया लुक दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये भी सब कार्डबोर्ड से कटिंग की है फ्लावर्स की, उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट किया है, और ये मैंने ऐसे एक ये पिलर है घर में और उसके ऊपर मैंने ये सारा पेस्ट कर दिया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे आप भी अपने घर में कहीं पर भी कोई भी चीज़, कोई भी ड्राइंग, कुछ भी बना के पेस्ट कर सकते हैं, जो आपके घर को काफ़ी सुंदर प्यारा बना देता है। एक DIY ये बनाई थी, जो इसमें मैंने ये भी हमारे यहाँ पे जो भी पैकेजिंग के बॉक्सेस आते हैं उसको कटिंग करके ये मैंने कप शेप में कट कर लिया है, पेपर चिपकाया है, ऊपर से इसके एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। कैसे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं और इसको किसी भी पिलर पे आप पेस्ट कर सकते हैं। एक DIY ये है, ये भी कार्डबोर्ड का ही कटा हुआ है, तो इसको मैंने पूरा ये कट करा है, उसके ऊपर ये लास्ट में बीच से कटिंग करके इसको रोल करके इस तरह से लगा दिया है। दो बर्ड्स थी मेरे पास में, वो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए। तो ये बहुत प्यारा DIY बनके तैयार है और आप देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी दीवार की खूबसूरती को बढ़ा देगा। ये देखिए, मैंने हैंगिंग में बनाया है, लॉकडाउन पीरियड में ही बनाए हैं सारे। एक बॉक्स था मेरे में, इसको मैंने चारों तरफ से कलर कर दिया है और इसमें चिकी को बैठा के मैंने इसको हैंग कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसे ही झूलता हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने स्टूल बनाया है, इसको हम एज ए साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बॉक्सेस ही पड़े हुए थे मेरे पास में, एक यहाँ पे छोटा था, इसमें मैंने कट करके इसको अच्छे से कवर किया, उसके बाद में एक ये लंबा सा है और ये देखिए, और ये देखिए कितना प्यारा स्टूल बनके तैयार हो गया। आप भी अपने घर में बना सकते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। सेकंड ये देखिए बॉक्स, ये मेरे पास एक वुडन बॉक्स था, जिसको मेरे को लग रहा था पहले कि ये ऐसे वेस्ट है, इसको वेस्ट मटीरियल है, बट मैंने जब इसके ऊपर ये कलर किया, देखिए कितना प्यारा हो गया है। एक साइड ये है, सेकंड ये है, ये देखिए एक साइड से ये ऐसा है लग रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसके ऊपर ये इसका ये, और इसमें आप कुछ भी, कोई भी सामान या बच्चों का एज ए पेंसिल बॉक्स या एज ए कुछ भी आप उसको पेंसिल होल्डर यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में रख के बहुत ही अच्छा भी लगता है। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर पॉट तैयार किया है। ये किससे बनाया गया है, अब सोचिए किससे बना होगा। ये जो आरओ होता है, मेरे घर में आरओ का अभी पीछे काम हुआ था, उसको सही कराया था, उसके अंदर से ये फिल्टर निकला था, और मैंने इसको देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, और जो कितना अच्छा लग रहा है। एक और था, दो निकले थे ये अंदर से, मैंने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए, तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर दिया है, और इसमें हम ऊपर ऐसे फ्लावर लगा के एज ए फ्लावर पॉट यूज़ कर सकते हैं। ये भी है, इसको भी एज ए फ्लावर पॉट यूज़ कर सकते हैं। एक मेरे पास में ये मिट्टी का था, इसको भी मैंने बच्चों के लिए ऐसे अच्छे से, ये देखिए ये मिकी माउस, डोनाल्ड, ये बना दिया है, और इसको मैं एज ए ऐसे रख के, और इसके अंदर हम अपना जो भी हमारा रिमोट होता है घर का, उसको हम टीवी चलाने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स ये सब मैंने एक्टिविटी की हैं और भी बहुत सी की हैं लॉकडाउन के दौरान। आप भी ऐसे करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरा अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।